हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ओके, तो संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा मतलब फीलिंग। ओके, लाइक एंगर, हैप्पी। तो दोस्तों, बस आज मैं आपको बेसिक चीजें बताऊँ, थोड़ी सी बेसिक चीजें बताऊंगा। आज रक्षाबंधन है एंड हैप्पी रक्षाबंधन। अपने भाइयों को राखी बांधिए, जरूर। मुझे पास ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बस नेक्स्ट तो क्या बंधन है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती, बेसिक चीज़ ही पढ़ाऊँगी क्योंकि अब जाएंगे हम। इसलिए तो हमें इसके मैं भी इसके बाद एक और वीडियो शूट करूँगी, वो है मेरी नानी के घर जाने का ट्रैवल। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है, भाववाचक संज्ञा फीलिंग होती है। जो हम फील कर सकते हैं, है लाइक, जैसे मैंने बताया था एंगर, तो कुछ वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पर, एंगर, हैप्पी, हैप्पी, भूखा, भूखा हंगर, भूखा एंड हंगर इज सेम थिंग। ओके, बाय गाइस, तो इतना ही पढ़ा था। बाय गाइस, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।